मोटोरोला का फोन है, 3GB रैम, 32GB स्टोरेज है, ये आपको 3000 में आ जाएगा। 7 मंथ यूज किया हुआ है, 5 महीना इसका वारंटी बाकी है, ये आपको आ जाएगा 7000। आईफोन 7 32GB है, ये आपको 6500 में आ जाएगा। मोबाइल कलेक्शन से हमारे साथ है धर्मेश सर। हेलो सर, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया सर। धर्मेश सर, आज की वीडियो में क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है? हमारे पास एंड्रॉइड और आईफोन की पूरी रेंज आपके सामने अवेलेबल है, पूरा स्टॉक आ गया मोबाइल का, और जो सबसे ज्यादा आप लोग पसंद करते हो ना, वो भी क्वांटिटी में आपको मिल जाएगा। सर, स्टार्टिंग प्राइसिंग क्या होगी? स्टार्टिंग रेट आपको, ये देखो मोटोरोला का फोन है, 3GB रैम, 32GB स्टोरेज है, ये आपको 3000 में आ जाएगा। फिर ओप्पो का 2GB रैम, 32GB स्टोरेज, 3000 में आ जाएगा। ये इन्फिनिक्स का फुल डिस्प्ले, बड़ा डिस्प्ले है, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, 4000 में आ जाएगा। वीवो का 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, पॉपअप कैमरा आता है ये वाला, ये आपको आ जाएगा 5000 में। फिर सैमसंग का 6GB रैम, 128GB स्टोरेज वाला डिस्प्ले फिंगर फोन आपको आ जाएगा 6000 में। फिर ये सैमसंग का अभी का लेटेस्ट मॉडल है, 4GB रैम, 128GB स्टोरेज है, ये 6000 में आ जाएगा। ये ओप्पो रेनो 3 प्रो है, 8GB रैम है, 128GB स्टोरेज है, ये आपको 6000 में आ जाएगा। रियलमी का फ़ोन आपको 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, 6500 में आ जाएगा। वीवो का 5G फ़ोन भी अवेलेबल है कम रेंज में, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, ये आपको 7000 में आ जाएगा। रियलमी का 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, 6000 में आ जाएगा। 9 प्रो आपको आ जाएगा 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, 6500 में। फिर ओप्पो का पॉपअप कैमरा, 8GB रैम, 256GB स्टोरेज, इसका डिस्प्ले चेंज किया हुआ है, ये आपको आ जाएगा 5500 में। ये रेडमी का फ़ोन आपको 4000 में आ जाएगा। रेडमी 6GB रैम, 64GB स्टोरेज, 7000 में आ जाएगा। पोको गेमिंग फ़ोन है, 6128 है, ये आपको आ जाएगा 8000 में। ओके, और अभी आपको जो भी मेरे पास बॉक्स वाले फ़ोन अवेलेबल हैं, सब रेंज वाइज अलग अलग दिखा दूंगा, 4G 5G साथ में वारंटी रहेगा, वो भी आपको बता दूंगा। ब्रांड वारंटी के साथ भी मिलेगा? हाँ, ब्रांड वारंटी वाला जिसका अवेलेबल रहेगा उसको मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये 4GB रैम, 64GB स्टोरेज फ़ोन है सैमसंग का, A14 5G फोन है, ये आपको आ जाएगा 8000 में। okay. साथ में 5 महीने की वारंटी भी आ जाएगी, ब्रांड वारंटी रहेगी, ब्रांड वारंटी। ओके, और ये वीवो का फोन है, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, ये भी ब्रांड वारंटी में, समझो ना, सेवन मंथ यूज किया हुआ है, 5 महीना इसका वारंटी बाकी है, ये आपको आ जाएगा 7000, ओनली 7000। आप इसका कंडीशन देख सकते हो, इस कंडीशन देख लो एक बार, कैसी कंडीशन में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सब आप जो देख रहे हो ना, ये सब सेकंड हैंड फोन्स है, सेकंड हैंड फोन्स में भी है ना, कुछ लेस यूज फोन्स भी है जो आपको साथ शेयर कर रहे हैं हम लोग, और विद ब्रांड वारंटी के साथ है। ये सैमसंग का 6GB रैम, 128GB स्टोरेज है, ये साइड फिंगर आता है, ये आपको 7000 में आ जाएगा। ओके, ये आपको रेडमी 9 आपको आ जाएगा 4GB रैम, 128GB स्टोरेज, 6000 में, ठीक है। ये वीवो का फ़ोन 4GB रैम, 128GB स्टोरेज, आपको 6000 में आ जाएगा। ये मोटो का साइड फिंगर फ़ोन है, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, ये 5.5 में आ जाएगा। ये वीवो S1 है, ये मॉडल जब भी चला था तो बहुत ही चला था, 4GB रैम, 128GB स्टोरेज, आपको 5000 में आ जाएगा। ये वीवो का 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, आपको सिर्फ आ जाएगा 5500 में। ये रेडमी नोट 7 प्रो है, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, इसका आप कंडीशन देख सकते हो, सामने ही है, ये आपको ओनली 5000 में आ जाएगा। मतलब हर एक बजट का इधर सेल फोन मिल जाएगा। और समझो ये रियलमी का फ़ोन है, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, ये आपको 7.5 में आ जाएगा। ये रियलमी X है, ये 8GB रैम, 128GB स्टोरेज है, पॉपअप कैमरा है साथ में दिया हुआ, जो जिसको जो कुछ अलग चाहिए रहेगा फ़ोन में, पॉपअप कैमरा बहुत लोग यूज़ करते हैं, ये आपको आ जाएगा 8000 में। ये सैमसंग का नोट 10 लाइट है, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, जब भी आया था तभी 60 से 70,000 तक का फ़ोन था न्यू में। अच्छा। ये आपको ओनली आ जाएगा 11500 में, 11500 में। और ये ओप्पो का F19 प्रो है, 4G मॉडल है, और 5G दो आते हैं, ये वाला 4G है, ये आपको 9000 में आ जाएगा। 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, और डिस्प्ले फिंगर भी साथ में आ जाएगा। okay. और ये भी वीवो का S1 प्रो है, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज है, ये भी जब भी मार्केट में आया था तो बहुत ही चला था, ये डिस्प्ले फिंगर में ये पहला फ़ोन था तभी के टाइम पे, ये आपको आ जाएगा सिर्फ 7000 में। 7000, ये सैमसंग का 6128 है डिस्प्ले फिंगर, ये भी आपको आ जाएगा 8000 में सिर्फ। और मतलब हर एक बजट का चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हैं। ये ओप्पो का 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, ये 5G मॉडल है, 5G मॉडल है, और इसका 1 महीना वारंटी बाकी है, ये आपको आ जाएगा सिर्फ 14000 में। ये वीवो का 4GB रैम है, 128GB स्टोरेज है, इसका वारंटी 3 मंथ्स पेंडिंग है, ये आपको 11000 में आ जाएगा। 3 मंथ्स ब्रांड वारंटी है? हाँ, 3 मंथ ब्रांड वारंटी है। आप इसकी कंडीशन देख सकते हो, कंडीशन दिखा दो, पहले तो कलर देख लो कितना यूनिक कलर है। सर टर्न कर दो जो थोड़ा, ये देखो ऐसी कंडीशन में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं पूरा, ठीक है। एक ये इसकी भी बहुत डिमांड चल रही है,
इसके भी बहुत इंक्वायरी आती रहती है। ये नोट 20 फोन है, ये 80,000 का न्यू फोन था, अभी ये 8GB रैम है, 256GB स्टोरेज है। कंडीशन देख सकते हो आप सामने, ये नोट वाला फ़ोन आता है, इसमें पेन आती है ऐसी। ओके, जो बिजनेस मैन होते हैं ये वाला यूज़ करते हैं। करेक्ट, ये आपको 8GB रैम, 256GB स्टोरेज 16,000 में आ जाएगा। करेक्ट, अगर वन प्लस के फ़ोन चाहिए तो वन प्लस 7 प्रो है, 8GB रैम, 256GB स्टोरेज है, ये आपको 16,000 में आ जाएगा। ये वन प्लस 60 है, ये स्टार्टिंग डिस्प्ले फिंगर वाला ये फ़ोन ही आया था। हाँ, तो डिस्प्ले के अंदर और इसका प्रोसेसर भी बहुत ही अच्छा है, जो गेमिंग फ़ोन यूज़ करते हैं उनके लिए ये सबसे बेस्ट फ़ोन है। 6GB 128GB स्टोरेज, ये आपको 9,000 में आ जाएगा। ये ओप्पो का फ़ोन है, 8GB रैम, 256GB स्टोरेज है, ये आपको 9,500 में आ जाएगा। ये भी पॉपअप कैमरा है और 256GB स्टोरेज है। ये वन प्लस 9RT है, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज है, ये बॉक्स के साथ ही है। जो भी फ़ोन है ये सब बॉक्स वाले फ़ोन है, और ये विदाउट बॉक्स वाले फ़ोन है। ये 9RT आपको सिर्फ आ जाएगा 18,000 में। इसका कंडीशन आप देख सकते हो गाइस, सब कंडीशन में आपको इधर सेल फोन मिल जाएगा। एंड्रॉयड का है ना, जितना ट्राई कर सकते थे उतना है ना कवर अप कर लिए इसमें। ओप्पो, रेडमी, रियलमी, वन प्लस सब मॉडल्स आपको बता दिए, सब कंपनी का। इवन ऊपर तो स्टॉक है, उसके साथ साथ आप नीचे भी देख सकते हो कितना सारा स्टॉक है, मतलब जब चाहिए जितना चाहिए आपको मिल जाएगा। सर अब आगे बढ़ते हैं, सबका फेवरेट आईफोन्स पे, वैसे तो पे भी मॉडल देखो कितने सारे। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे फोन है। करेक्ट, मोहसिन भाई को समझ लो 7 से 8 घंटा लग सकता है इतने फोन बनाने के, वीडियो बनाने के लिए, लेकिन इनके पास भी टाइम नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। करेक्ट, तो देखो मैं आपको स्टार्टिंग रेट बता देता हूँ। ये आईफोन 7 है, 32GB रोज गोल्ड कलर है, ये आपको आ जाएगा 7,000 में। ठीक है, ये आईफोन 7 32GB है, ये आपको 6,500 में आ जाएगा। ये आईफोन 8 प्लस है, 256GB स्टोरेज है, इसका बैटरी हेल्थ है 84, ये आपको आ जाएगा 12,500 में। ठीक है, ये आईफोन XR है, 128GB है, ब्लैक कलर है, इसका बैटरी हेल्थ है 82, ये आपको आ जाएगा 16,000 में। फिर ये 8 प्लस है वाइट कलर में, ये आपको 256GB आ जाएगा 13,000 में सिर्फ। ओके, आईफोन XR है, 64GB है, आपको 13,000 में आ जाएगा। ये 64GB है, आईफोन SE है, इसमें ड्यूल सिम आता है। जब ये आईफोन में ड्यूल सिम इससे स्टार्ट हो गया था तो 64GB आपको ये 10,000 में आ जाएगा। ये आईफोन XS है, 256GB, ये आपको आ जाएगा 17,000 में। ये आईफोन X है, 256GB, इसकी कंडीशन बहुत ही अच्छी है, ये वाला आपको 15,000 में आ जाएगा। कंडीशन चेक करो गाइस, ऐसी कंडीशन में आपको सेकेंड हैंड सेल फोन मिल रहे हैं, तो आप सेकेंड हैंड भी आप लोग इजीली परचेस कर सकते हैं। हाँ, यानी जिसको बजट, जिसका बजट कम है, मेरे पास 3,000 से लेके 40-50,000 तक के फ़ोन है यहाँ पे। अगर आप मुंबई में रहते हो या नियर मुंबई रहते हो तो आप शॉप पर डायरेक्ट विजिट करोगे तो जो भी आपकी इंक्वायरी रहेगी, व्हाट्सअप भी करोगे तो भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट चेंबूर स्टेशन उतर सकते हो। चेंबूर स्टेशन से 2 से 3 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है, नियर सावन बाज़ार, नियर भारत लॉज। आप किसको भी पूछोगे तो आपको कोई भी बता देगा। आप द मोबाइल कलेक्शन यहाँ पे फेमस शॉप है चेंबूर में, आप किसको भी पूछोगे कोई भी बता देगा, नियर सावन बाजार। एड्रेस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन, हाँ, एड्रेस पे मिल जाएगा, मोहसिन भाई आपको वो भी मेंशन कर देंगे। फिर आप वापस आ जाते हैं, ये आईफोन 12 है, 128GB है, ब्लू कलर है, ये आपको आ जाएगा 26,000 में, 128GB। ये आईफोन XS मैक्स है, 256GB, इसका बैटरी हेल्थ है 82, ये आपको आ जाएगा 17,000 में। अभी ये आईफोन 11 सारे इतने सारे अवेलेबल हैं, बाकी दूसरे भी हैं लेकिन अभी इतना ही बता रहा हूँ मैं आपको। ये 64GB आपको 17,000 में आ जाएगा। ये 128GB आपको 19,000 में आ जाएगा। ये पर्पल कलर अवेलेबल है, 128GB, बैटरी इसका 86 है, ये आपको आ जाएगा 19,000 में। ये रेड कलर है, इसका डिस्प्ले में थोड़े कुछ स्क्रैच हैं, इसके लिए आपको कम में आ जाएगा, ये आपको 18,000 में आ जाएगा। यानी मेरे पास 16 से लेके 20,000 तक के आईफोन 11 अवेलेबल है, कंडीशन पर डिपेंड है। हाँ, फिर ये व्हाइट कलर है, 128GB आपको ये 17,000 में आ जाएगा। आईफोन 11 प्रो मैक्स है, 256GB है, ये इसका बैटरी हेल्थ है 82 है। अभी क्योंकि 15 चल रहा है तो ये 11 प्रो है, तो अभी 2-3 साल के अंदर बैटरी हेल्थ तो कम थोड़ा हो ही जाएगा। Correct. ये आपको 22,000 में आ जाएगा। ये 11 प्रो मैक्स है, 256GB, ये आपको 30,000 में आ जाएगा। गाइस ऑलमोस्ट ट्राई किए, जितना सेटअप था उतना आप लोग को बता दिए, बाकी के लिए आप पर्सनली इनको कॉन्टैक्ट कर लो। सर मोबाइल में तो बहुत वेराइटीज होती है, बहुत मॉडल्स हाँ. होते हैं, तो जो जैसा डिमांड करेगा हो जाएगा सर फुल सर मिल जाएगा। आप अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल दोगे कि मुझे ये मॉडल चाहिए और मेरा ये बजट है तो मैं आपको उसका डायरेक्ट जवाब दे दूंगा। अगर आप बोलोगे मुझे आईफोन 15 प्रो मैक्स चाहिए 10,000 में, तो वो नहीं आता है। Correct. जो जिसका रेंज रहता है वही आपको मिलेगा। गाइस देखो जो चीज़ इधर आपको बताए वैसी चीज़ आपको टोटली इधर मिल जाएगी। सर कौन कौन परचेस कर सकता है आपसे? सर होलसेलर भी आते हैं, रिटेलर भी आते हैं, कोई भी आओ वेलकम है आपको।
आपको जो भी बेस्ट में बेस्ट सेट मिल जाएगा, और साथ में अगर आप फ़ोन लोगे तो मेरे पास कवर अवेलेबल रहेगा, तो कवर ग्लास आपको लगा के दे दूंगा और एक वायर फ्री दे दूंगा, और दो दिन का चेकिंग वारंटी आता है। यहाँ पे सब कुछ चेक करा के ही दूंगा आपको। अगर एक्स्ट्रा आपके आपके फीडबैक के लिए आपको दो दिन का और वारंटी मिल जाएगा। सर, और आपसे सस्ता कोई नहीं प्रोवाइड करेगा ना? नहीं सर, मुश्किल है। अगर आप कोई भी मुंबई की बड़ी मार्केट में जाओ और उनसे रेट निकालो और वहाँ से फिर यहाँ पे आ जाना, अगर रेट में कुछ कम ना लगे तो वहाँ से ले लेना, नहीं तो यहाँ से लेके आप जा सकते हो। गाइस, रिटेलर्स को भी होलसेल प्राइस में ही प्रोवाइड करेंगे। यस, आपको रेट दे रहा हूँ तो वो एकदम कम ही रेट बता रहा हूँ। मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी, समझो कोई यूपी से आता है, कोई महाराष्ट्र से आता है, कोई राजस्थान से आता है, जो भी दुकान जो करते हैं ना वो मेरे से लेके ही जाते हैं। करेक्ट। वैसे जो भी है माल आपको दिखा दिया मैंने, और भी माल है, आप आओगे दुकान पे तो आपको मैं दिखा दूंगा। गाइस, आप बाकी डिटेल्स के लिए ना आप लोग विजिट करो, एक बार विजिट करोगे तो आपको हर एक चीज़ मालूम पड़ेगी, सब चीज़ बता दिया। बाकी डिटेल्स के लिए एड्रेस नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया। ये वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया। सर, वीडियो पसंद आया तो क्या करना है? वीडियो पसंद आया तो मोहसिन भाई को फॉलो करना है और उनको मैसेज करना है और दूसरे को भी बोलना है कि उनको फॉलो करें, और आप फॉलो दिखाओगे तो आपको कुछ ना कुछ मेरी तरफ से गिफ्ट भी मिल जाएगा। गिफ्ट भी मिल जाएगा, तो गाइस मेंशन करना जरूर। फिर मिलते हैं बहुत जल्द कोई नई सी वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम बी सेफ एंड हैव फन। पीस आउट।